श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हमको स्मरण उसी वस्तु का होता है जिसका हमको पहले अनुभव हो चुका है। जैसे आपको अपने बचपन का स्मरण है क्या? हाँ है जी। क्या है? हम बच्चे थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको भगवान का स्मरण होता है क्या? नहीं होता। कारण क्या है? कभी भगवान का अनुभव हुए नहीं। मेमोरी इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। यदि पहले अनुभव हुआ तभी तो उसका स्मरण होगा ना। बचपन का स्मरण होता है, पास्ट का स्मरण होता है, फ्यूचर का थोड़ी स्मरण हो सकता है। और आप कहते हो भगवान का स्मरण करो, कैसे करेंगे? देखो महाराज, तो जो भगवान का नाम लेने की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में साधु संतों ने बताई है, उसका क्या अर्थ हो सकता है? इस पर पहले हमको चिंतन करना है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने के प्रक्रिया को स्मरण की प्रक्रिया कहते हैं। स्थूल में हमने कोई वस्तु देखी, जैसे अभी हम गए थे निमिषारण्य में, तो दो चार लेडीज थी, इसमें से एक ने मुझे पहले मिली थी, मैं उनके घर में रहा था शायद। हम जा रहे थे हर जगह पे कार में, नमस्कार किए, चमत्कार किए, निकले, तो वो हमेशा अपने फ्रेंड, मुझे लगता है ये स्वामी की अपनी ही है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, फिर उसकी फ्रेंड कहती है तुम जाके मिलती क्यों नहीं स्ट्रेट अवे। मैंने, मुझे डर लगता है। फिर मैं उनको फ़ोन करके देखी वही है क्या। फिर उसने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके कहती है कि स्वामी जी आप कहाँ हो? मैं अमुक अमुक हूँ। तो मैंने बोला मैं निमिषारण्य हूँ, मैं भी हुई हूँ यहाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इट इज़ योर प्रॉब्लम। बोले आप कहाँ हो? मैंने बोला मैं यहाँ हूँ। बोले मैं भी यही हूँ, वहीं खड़े रहो और सामने आ गए। आपने मुझे पहचाना, याद आया, स्मरण हुआ। तो जिसका पहले अनुभव होता है उसी का स्मरण होता है। तो स्थूल वस्तु का अनुभव हुआ और स्मरण सूक्ष्म हो गया। देखो इसको जरा ठीक से समझ लेना। अब यह जो प्रक्रिया है वो ऐसी है कि हम जो आपसे बात कर रहे हैं इस वाणी को कहते हैं वैखरी वाणी। वैखरी वाणी से आपको अनुभव हो रहा है। क्या अनुभव हो रहा है? कि स्थूल शब्द आपके कान ग्रहण कर रहे हैं और आप कुछ बात सुन रहे हो, ये अनुभव हुआ। और उसके बाद कई सालों के बाद कहीं तो भी आपने कोई सीढ़ी चल रही होगी और आप, अरे मुझे याद है ये कौन स्वामी जी है। देखो मनुष्य स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है। तो वैखरी वाणी में अनुभव हुआ, मध्यमा में उसका स्मरण हुआ। स्मरण होने के प्रारंभ में जो स्थिति है उसको कहते हैं पश्यन्ति वाणी। और पश्यन्ति वाणी का मूल होता है परावाणी। तो भगवान का नाम लेने का तात्पर्य हम
वैखरी वाणी से प्रारंभ करें और परा वाणी में समापन हो जाए। इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने पेरिफेरी से हट करके सेंटर की तरफ मार्च करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं स्मरण करना या जप करने की प्रक्रिया। अब देखो, यह जो अभी की हमारी स्थिति है, इस स्थिति में शब्द और उसका अर्थ एक दूसरे से भिन्न है। जैसे मैंने कहा गधा, तो गधा ये शब्द है और वह प्राणी उसका अर्थ है। माइक, माइक ये शब्द है और ये मेरे सामने जो खड़ा है ये इसका अर्थ है। तो जिस अनुभूति में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं, उस अनुभूति को जागृत अवस्था और उस वाणी को वैखरी वाणी कहते हैं। ये ठीक से समय लेना, टेक्निकल बातें जानना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरी बात, जब हम ख्याली पुलाव करते हैं, ख्याली पुलाव कैसे हैं, यहाँ बैठे हैं और कल्पना कर रहे हैं, बस यहाँ से निकलेंगे ना, कर जाएंगे, बढ़िया बढ़िया गरम गरम मिर्ची के पकौड़े खाएंगे, यहाँ पता नहीं क्या खिला है, साधना हमारे थोड़ी होता है खास का। तो जो मिर्ची को पकौड़े बन रहे हैं वो ख्यालों में है, कल्पना में है, तो उसमें शब्द और उसका अर्थ दोनों ही वृत्त्यात्मक होते हैं, विचारात्मक होते हैं। तो यह वैखरी वाणी से सूक्ष्मता आ गई। इस स्थिति में हम स्वप्न का अनुभव करते हैं। स्वप्न में वस्तु और उसके शब्द दोनों ही विचारात्मक होते हैं, असल में कुछ नहीं होता। जैसे आप किसी होटल में गए, मेनू पढ़ा, तो मेनू पढ़ने से पेट थोड़ी भरता है, तो केवल ये विचारों का ही क्षेत्र है। तो ये दूसरी स्थिति हो गई वाणी की, जिसको कहते हैं मध्यमा वाणी। अब और सूक्ष्मता में जब हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ शब्द और उसका अर्थ दोनों अभी अलग ही नहीं हुए, एक ही है, तो उसको कहते हैं और सूक्ष्म स्थिति, उसको कहते हैं पश्यन्ति वाणी। साधु संत महात्मा इनका निवास पश्यन्ति वाणी में होता है। जो अज्ञान शिरोमणि है हम लोगों के जैसे, उनका निवास वैखरी वाणी में होता है। खर माने गधा, एक टाइटल होता है ना खरे, प्लूरल, गधा का प्लूरल खरे, गधे। तो हम जिस वाणी में रहते हैं इसमें देहात्म भाव है और इस वैखरी वाणी में इस प्रकार से हम हैं। जो कल्पना के साम्राज्य में रहते हैं, कवि लोग, संगीत वाले लोग, जो हमेशा खोए खोए रहते हैं, जाने कहाँ गए वो दिन जब हम बच्चे थे तब की बात है, सपने में रह रहे, वो मध्यमा में रहते हैं। और जो पश्यन्ति में रहते हैं उनमें ना तो शब्द का प्रयोग है ना तो विषयों का चिंतन है। शब्द का प्रयोग वैखरी वाणी में होता है और विषयों का चिंतन मध्यमा वाणी में होता है। साधु संत ना तो वैखरी वाणी में रहते हैं ना तो मध्यमा वाणी में रहते हैं, उनका निवास होता है पश्यन्ति वाणी, जिसका स्थान नाभि स्थान होता है।
तो बसंती वाणी में निवास करने वाले साधु संत उनके लिए विषय और उसका विचार दोनों अभी अलग नहीं हुए, एक ही है। और इसीलिए साधु संत जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। जैसे ही ट्राइपॉड है सामने, इसमें से एक पैर को खींचा तो बाकी के दोनों पैर अपने आप खींचे जाएंगे, क्योंकि जोड़े हुए हैं ना, अलग नहीं है। इसी प्रकार से जहाँ संकल्प और विषय अलग अलग नहीं है, वहाँ साधु संत संकल्प करते हैं वह विषय प्रकट हो जाता है, क्योंकि उनकी स्थिति इस पश्चंती वाणी में होती है। यहीं तक साधक की गति होती है, उसके आगे हरी इच्छा, उसके आगे अपना प्रयत्न नहीं, उसके आगे हमने प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। इस मार्ग पर चलना माने स्मरण की साधना करना। और इस मार्ग पर जब हम चलते हैं तो एक एक वाणी शुद्ध, पवित्र और परिपक्व हो जाती है। तो पहले वैखरी वाणी हमारी दुनिया की निंदा करने में लगी है, दूसरों को सर्टिफिकेट देने में लगी है, किसी को अच्छा बुरा कहने में लगी है, या तो अपनी ही तारीफ करने में लगी है। तो इस वैखरी वाणी को पवित्र शुद्ध करके फिर हम मध्यमा वाणी में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार से मध्यमा वाणी शुद्ध पवित्र हो गई, फिर हम पश्चंती वाणी में प्रवेश करते हैं। और जो पश्चंती वाणी में प्रवेश करते हैं उनका भगवान के प्रति समर्पण होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहाँ रह करके यदि हमने दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो सब सिद्धियाँ प्रकट होने लग जाती है। सिद्धि क्या है? सिद्धि यही है जो हमने सोचा वो हो रहा है। इनको पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि ये साधक के जीवन के विघ्न होते हैं। कि एक बार आदमी को पता चला कि मैंने जो कहा वो होता है तो वो चुप थोड़ी बैठेगा। इसीलिए अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये भगवान की बड़ी कृपा है। कैसी? एक सज्जन थे, चले गए रेगिस्तान, भयानक गर्मी, और कहीं जा रहे थे, वहाँ उन्हें एक पेड़ दिखा। अरे राम, यहाँ कम से कम पेड़ तो है, चलो उसके नीचे जाके बैठेंगे, गर्मी बहुत है, छाया में जाके बैठे। बैठने के पश्चात हा हा, ठंडा पानी हो तो कितना मजा आएगा। टनाइन एक ग्लास ठंडा पानी आ गया, पानी पी लिया। एक ही गिलास से क्या होगा, बहुत प्यास लगी, दूसरा दूसरा आ गया। फिर चलो एक खटिया आ जाए तो आराम से बैठेंगे, हाथ पर सीधे करेंगे, खटिया आ गई। एक गरम गरम चाय के साथ पकौड़े, दूध वो भी आ गए। थोड़ी देर लेटे, अब इतना सब आ रहा है तो बढ़िया खाना भी आ जाए, सूरती खाना भी पहुंच जाए। खाना खा लिया, जब ये सोच रहे थे अरे यार मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भूत आके मुझे खा जाएगा, भूत आ गया खा गया। महाराज, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, ये भगवान की बहुत बड़ी देन है। ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं, इच्छाओं के ऊपर उठ जाना है। क्योंकि आज तक हमने क्या क्या जीवन में केवल अपने इच्छाओं को पूरा ही तो किया है, दूसरा क्या किया है? बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी रखता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परमे ब्रह्मणि कोपि न रखता। तो हमने अपने वैखरी वाणी से विराम पाने के लिए, विश्राम पाने के लिए
फिर हमको भगवान के नाम की बात बताते हैं। तो भगवान का नाम लेते समय भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियाँ होती है। एक तो पहले हम लोग पूरा हारमोनियम, तबला, बोल, पेटी, सिंबल, ताली सब लेकर के बैठते हैं, और गाने वाले भी दो चार छः होते हैं, जिसको कहते कीर्तन। अब कीर्तन में बैठे हैं, अब सब चल रहा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, चल रहा। उसमें संगीत है, उसमें अकम्पनीमेंट है, उसमें गाने वाले हैं, उसमें तालियां हैं, तो उसमें हमको बहुत सारे आधार मिल रहे हैं। इन जितने ज्यादा आधार हो गए उतना हमारी स्टेबिलिटी पक्की होगी, और ऐसा हम प्रारंभ करते हैं। फिर इससे जब सूक्ष्मता की तरफ पहुंचते हैं तो अनेक प्रकार के भजन है, अनेक प्रकार के गाने वाले हैं, ये अनेक ताक कम होने लग जाते हैं। पहले कैसे चार छह महात्मा गाने वाले गाएंगे, एक गाने वाला हमारे जैसा फटी बाज की जैसी आवाज़ है, जब उसने शुरू कर दिया तो सोचे कि यार इसमें गाना था आज, कोई दूसरा नहीं मिला, कोई बात नहीं, दो तीन मिनट में शांत हो जाएगा, तो चला गया, दूसरा आया। इसकी आवाज़ तो ठीक है लेकिन इसको ताल नहीं है, पता नहीं कैसे औरंगजेब गाना गाते हैं, तो वो भी चला गया। तो धीरे धीरे अनेक सपोर्ट होने के कारण हम टिकते हैं। तो जब सूक्ष्मता बढ़ने लग जाती है तो अनेक भजन समाप्त हो गए, अब एक मंत्र बाकी है, अनेक नहीं। ओम श्री राम जय जय राम, एक मंत्र, और उस एक मंत्र के साथ भी तबला, पेटी, हारमोनियम, अकम्पनीमेंट सब कुछ है। फिर उसका भी त्याग कर दिया और सूक्ष्मता में चले गए, सूक्ष्मता में चले गए। अब साथ में कोई नहीं गाने वाला, हम अकेले हैं, अपनी माला अपने हाथ में है, और भगवान के सामने बैठ कर के वैखरी वाणी में कह रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दूसरा कोई आधार नहीं है, केवल एक माला है। हमने माला किस लिए, ताकि हम सोए नहीं, नींद आगे तो मारा गिर जाते और गिर गिर। और ऐसा अनेक महीनों तक, सालों तक करते रहे तो धीरे धीरे भगवान के नाम से हमारी वाणी पवित्र हो जाती है। वाणी की पवित्रता, वाणी को जिस विषय में लगाते हैं उस पर होती है। अब देखो कैसा, समझो आपने किसी को गाली दी, तो गाली देने के बाद मन कैसा होता है, किसी को कहा पता नहीं बेवकूफ कहाँ से टपका है, ऐसा कहो तो मन में प्रसन्नता नहीं आती। तो जो मन का विषय है वो पवित्र है तो मन पवित्र है, यदि मन का विषय गंदा है, दुनिया है, तो मन गंदा है, दुनियादारी वाला है। तो हमने फिर भगवान का नाम लिया, ओम श्री राम जय जय राम। प्रारंभिक अवस्था में भगवान का नाम इस वैखरी वाणी से ही लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है नहीं, हम लेते भगवान का नाम मन ही मन लेते, अब क्या पता नाम लेने की सो रहे, तो ये हम अपने आप को सबसे बड़ा धोखा देते हैं। पहले वैखरी वाणी से नाम लो, तब यह वाणी पवित्र हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। अब सवाल ये कितने दिन तक ये करें, ये जो पूछते हैं ना वो करते कुछ नहीं, शुरू करो फिर आपको पता चलेगा। बिना प्रयत्न के हमारी वैखरी वाणी शांत हो जाती है,
और जो भगवान का नाम है वो मध्यमा वाणी में प्रवेश करता है। जब ये भगवान का नाम मध्यमा वाणी में प्रवेश करता है तो परश्रुति गोचर जो अन्य व्यक्ति सुन रहा था, ये अन्य व्यक्ति सुन नहीं सकता, लेकिन फिर अपने ही आप में हम कहे जा रहे हैं। लेकिन वहां भी प्रयत्न है। तो ऐसा अनेक समय तक, अनेक दिनों तक, महीनों तक, सालों तक करते रहे, करते करते हमारी मध्यमा वाणी भी परिपक्व हो जाती है। मध्यमा वाणी परिपक्व होना माने क्या? माने हमारे प्रयत्न के बिना हमारा मन अखंड रूप से प्रभु का नाम लेता रहे। क्योंकि पहले नाम लिया था ये भगवान के नाम के लेने का अनुभव, उसका स्मरण, उसका स्मरण होगा मन में, और जब यह पूरा हो गया तो फिर बिना किसी प्रयत्न के भगवान का नाम अखंड चलता रहेगा। जहां मन खाली हो गया अपने आप, जैसे वो जो हाइब्रिड कार होती है ना, जैसे आपने स्पीड बढ़ाना बंद कर दिया कार का, तो पेट्रोल कंजम्पशन बंद हो जाता है और वो पावर जो है पेट्रोल से बैटरी पर स्विच ऑन हो जाती है, अपने आप एक्सचेंज ओवर। इसी प्रकार से दुनियादारी का काम चल रहा है, जहाँ ये दुनियादारी का काम बंद हो गया अपने आप मन स्विच हो जाता है, अब श्री राम जय राम जय जय राम, अपने आप, कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। तब समझ लेना अब हमारी मध्यमा वाणी जो है वो जागृत हो गई है। प्रयत्न चैतन्य, कोई परेशानी नहीं, सहजता से कहीं भी। और ये करते 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 हम इतनी सूक्ष्मता में पहुंच जाते हैं कि शब्द का अर्थ हृदय में प्रकट होने लग जाता है। कैसे? जैसे हम कहे गाय, तो शब्द का अर्थ हृदय में प्रकट हो गया। और यदि हमको शब्द का अर्थ मालूम नहीं तो कैसे प्रकट होगा? जैसे पिक्सेल, पिक्सेल का अर्थ हमको मालूम ही नहीं क्योंकि हम डिजिटल नहीं है, हम अभी एनालॉग में फंसे हुए हैं। तो जहां हमने इस भगवान के नाम से, भगवान जो उनका अर्थ है उसको हृदय में प्रकट करना है, तो फिर हमारी साधना क्या होगी? भगवान की कथा, भगवान के गुणगान, भगवान के बारे में साधु संतों के वचन, इनको जब हम सुनते रहेंगे तो ये जो भगवान का नाम है वह भगवान के अर्थ को माने भगवान को हृदय में प्रकट कराना शुरू कर देगा। तो ऐसा व्यक्ति शांत होकर बैठा है, भगवान का नाम ले रहा है और धीरे धीरे यह प्रयत्न और नाम दोनों गायब हो जाते हैं। दोनों गायब हो गए तब हमारे हृदय में अर्थ प्रकट हो गया और जिसके हृदय में अर्थ प्रकट हो जाता है उसी ने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। अब भगवान का नाम यदि भगवान को हृदय में प्रकट कराता है और जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं उसका क्या लक्षण है? हमारे हृदय में क्रोध प्रकट हो गया तो उसके क्या लक्षण है? आंखें लाल लाल हो जाती है, नाक भैंस के जैसा खुरखुरा लगता है। हिंदी सिनेमा को छोड़ करके कहीं भी ये नहीं कह सकते कि जब तुम गुस्सा करती हो तो बड़ी सुंदर लगती हो, गुस्से में कोई सुंदर नहीं लगता, भैंस के जैसे लगते हैं।
जैसे ये गुस्से के लक्षण हमारे माध्यम से प्रकट होने लग जाते हैं, उसी प्रकार से हृदय में यदि भगवान प्रकट हो गए तो क्या लक्षण प्रकट हो गए? तीन लक्षण प्रकट होते हैं मुख्य रूप से। पहला लक्षण, हम जीते हैं और अन्य को जीने देते हैं, ये सद्वस्तु की अभिव्यक्ति है। भगवान सच्चिदानंद है ना, तो सत माने क्या? स्वयं जीना। कुर्वन्ने विह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा, एक एक जीवन का क्षण जो है पूर्ण जीना है। नेवर डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली। आप देखेंगे साधु संत जो भी काम करते हैं ना, पूरा दिल लगा के करते हैं। तो स्वयं जीना है, ये नहीं अब तो मैं सोचूं भगवान मुझे उठा ले, कोई किसी को नहीं उठा ले। दो इच्छाएं अंतकरण से निकल जाती है, ये दोनों इच्छाओं को समझ लो तो जीवन की सभी इच्छाएं उसमें आ गई। एक इच्छा जीने की, दूसरी इच्छा मरने की। जब मरने की इच्छा होती है तो हमने यही सोचा है कि देह का नाश हो जाएगा तो हम सुखी होंगे। जब जीने की इच्छा है तो यही सोचा है जब तक देह रहेगा तब तक जिएंगे। माने इच्छा हमेशा देहात्म भाव से ही होती है, देहात्म भाव नहीं है तो इच्छा नहीं हो सकती। इसीलिए हृदय में भगवान प्रकट हो गए तो हम जिएंगे एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ फुल्ली। ये जो एक छोटी सी बात है ना संतो, जो भी काम करना है पूरे दिल से करना है, पूरे दिल से। हाफ हार्टेड जब हम करेंगे ना तो धीरे वो हमारा स्वभाव बन जाता है। स्वभाव जब बन गया तो खाने के लिए बैठे, ओ मेरी इच्छा तो नहीं है, अब तूने बनाया तो खा लेते, और दबाए जा रहे। नहीं 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 मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलो, आज मेरी इच्छा नहीं। नहीं नहीं आप थोड़ा बहुत हमको सत्संग कराओ, और शुरू कर दिया, बंद करते ही नहीं। तो जो काम करना है तो पूरे दिल से करना है। अब ये स्वभाव आप बना लो अपना तो क्या होगा? खाना खाओगे तो पूरे दिल से खाओगे, फिर उस खाने में रस निष्पत्ति होगी। जब हमारे प्रत्येक क्रिया में रस का निर्माण होता है तब समझ लेना हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। साधु संत कभी डिप्रेस डिजेक्टेड नहीं होते कि हम पता नहीं भगवान कब उठा लेगा। हम लोग कहते, साधु संत नहीं कहते, उनको फ्रीडम है। तो वही खरी वाणी मध्यमा, मध्यमा से पश्यन्ति, पश्यन्ति से प्रभु हृदय में प्रकट हो गए, और प्रभु हृदय में प्रकट हो गए तो हम जिएंगे एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ फुल्ली, नेवर हाफ हार्टेडली। और जब हम हाफ हार्टेडली जीने का अभ्यास कर लेते हैं तो क्या होता है? तो जब हम ध्यान को बैठेंगे हाफ हार्टेडली, चलो कर लेते ध्यान, सभी जाके बैठे भी सोऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, चलो वहां जाके सोते। ऐसे जो लोग हैं ना जिनको हाफ हार्टेडली हर काम करने की आदत पड़ी है, वो सो भी नहीं सकते कि वहां भी गए हाफ हार्टेडली, ट्राई करते सोते का जग रहे, बातें करे जा रहे, बोले जा रहे। एक छोटी सी बात है, चलना है वहां होल हार्टेडली, ईच एंड एवरी स्टेप परफेक्टली। जो भी करना है उसमें पूर्णता आ जाए तो समझ लेना प्रभु हृदय में प्रकट हो गए। दूसरे भगवान के प्राकट्य का लक्षण हृदय में, हम किसी को धोखा नहीं देते और हम किसी से धोखा नहीं खाते, दोनों बातें। क्योंकि अब हम चैतन्य में स्थित है,
चैतन्य में स्थित रहना माने हमेशा 100% अलर्ट एंड विजिलेंट। एक बार की बात हम आपको बताएं, दिल्ली में हुई थी एक बार, वहां लाल किले के पास एक बहुत बड़ा भागवत सप्ताह का प्रसंग था और जो भागवत कथाकार है वो हमारे अच्छे मित्र हैं। तो मैंने उनको कहा था कि भाई मैं आपका भागवत सुनना चाहता हूँ, बहुत दिनों से नहीं सुना, मैं ही ब्लफ मार रहा हूँ, देखो तो सही दुनिया क्या ब्लफ मारती है। तो हम गए तो उन्होंने कहा कि आप सामने बैठो, तब बाकी पब्लिक बैठी रहेगी। तो ऐसे तीन स्टेज बनाए थे, एक उसके नीचे बड़ा, उसके नीचे और बड़ा, ऊपर में ऐसे ताकि सभी लोग देख सकें। तो जब ऐसा हुआ तो वो नीचे का जो स्टेज था उसके ऊपर में भागवत जी को सर पे रख करके सब अपना तबला पेटी भगवान का नाम लेके प्रदक्षिणा करके स्थापना कर ली। तो मैंने कहा कि स्वामी जी आप आगे हो जाओ, मेरा भाई जी होता आगे, क्यों मुझे नहीं मालूम, फिर आप हो जाओ फिर मैं आपके पीछे रहूँगा। नहीं नहीं स्वामी जी हम सोच रहे हैं, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, मैं अडेल टट्टू हूँ ना माने ना। आप बोले ठीक है स्वामी जी, हमने सोचा, हमने आपकी परेशानी है, क्यों सोचा आपने। अच्छा वो निकले, जैसे निकले दो तीन कदम गए कहीं पैर रखा और वहाँ की जो लकड़ी की पट्टी थी उनके वजह से टूट गई और वो नीचे सीधे पाताल बोले चलते। देखो हमने कहा प्रभु कैसा है अब हमको मालूम थोड़ी था, ये अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। क्योंकि मन आपका यदि दुनियादारी में फंसा नहीं है ना तो ये कोई जादू नहीं है, ये तो सहज हो जाता है। देखो इसीलिए इसको कहते हैं इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। पतंजलि कहते हैं ऋतम भरा प्रज्ञा। तो जब प्रभु हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो हम कार्य कारण के परे जाकर के हमारा जीवन ऐसा है, ना तो हम किसी को धोखा देते हैं ना किसी से धोखा खाते हैं, दोनों प्रकार से। धोखा इसीलिए नहीं देते क्योंकि अब ये सापेक्षता की जगत से बाहर चले गए, और धोखा इसलिए नहीं खाते क्योंकि एकदम सजग है, अलर्ट है। कई बार ये हो जाता है कि भगवान के भगत माने बेवकूफ बन करके रहना, ये भगवान के भगत नहीं होते। We have to be alert and perfect, तब हमारे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। और तीसरी वस्तुओं की बात, जब हृदय में प्रभु प्रकट हो गए तो हम मस्त रहते हैं। भगवान के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है, भगवद गीता में कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षमयो द्विजैः मुक्तः यस्य च मे प्रियः। जो किसी के कारण उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जिसके कारण लोग ऊबते नहीं, हम पहुंच गए। अरे बाप रे, अरे क्या वेदांति है, वेदांति के साथ रहना बड़ा कठिन है। एक आदमी भाग रहा था, उसके पीछे दूसरा उसको पकड़ने के लिए भाग रहा था। लोगों ने पूछा बेचू पहले उसको पकड़ो फिर बताओ, तो उसको पकड़ा। तो पकड़ने के बाद क्या किया इसने, क्या चुराया, अरे चुराया कुछ नहीं, पहले जब ये मुझे आकर के वेदांत तो सुनाता था तो मैं बैठता था, अब मैं उसको वेदांत तो सुनाता हूँ तो भाग रहा है, अब कहाँ भागेगा, अब तो सुना के रहूंगा। देखो यस्मान नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः, जो किसी के कारण ऊबता नहीं और जिसके कारण कोई ऊबता नहीं, तब उसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं।
तो ऐसा व्यक्ति हम किसके कारण उठते हैं। एक बार एक लड़का मुझे पूछने आया, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। आने का पूछो, लेकिन उसके पहले मेरे प्रश्न का उत्तर, क्या तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं, मेरा चेहरा ही वैसा है। अब मुझे बताओ, जो हमेशा ऐसा चेहरा लटकाया है, फ्रस्ट्रेट है, आपको अच्छा लगता है कि उस व्यक्ति के साथ रहना बैठना? हमेशा वही फ्रस्ट्रेशन है, स्वामी जी पता नहीं जी के क्या करेंगे, लेकिन वो मरने को तैयार भी नहीं। इसीलिए हृदय में प्रभु प्रकट हो गए तो हम प्रसन्न रहेंगे, और जो प्रसन्न हम है, अब देखो ना, कोई अन्य व्यक्ति मस्त हो तो अपने को अच्छा लगता है ना, तो दूसरा व्यक्ति मस्त हो तो अपने को अच्छा लगता है, तो अपनी मस्ती होगी तो क्या मजा होगा। तब हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। देखो, इसीलिए भगवान के द्वारा 18वें अध्याय में परमात्मा के प्राकट्य की परिपूर्णता क्या है हृदय में, उसका वर्णन आता है। ब्रह्म भूतः, पहले हम कौन थे? ब्रह्म भूतः, ब्रह्म में भटक रहे थे। अब योग्य प्रकार से भगवान का नाम लिया और ब्रह्म मिट गया। क्यों ब्रह्म मिट गया? क्योंकि मैं मिट गया। प्रभु जब प्रकट हो गए तो मैं रहा कहां? तो ब्रह्म भूतः, फिर पहला लक्षण प्रसन्नात्मा, हमेशा प्रसन्न है। किसी ने समझो आपको पूछा, गलती करी कि भाई तबीयत कैसी है, उसका बदला मत लेना। देखो, एक हमारी अम्मा है, उसको मैं बॉर्न स्वीट कहता, ऑस्ट्रेलिया की है, अपने इंडिया नहीं है, साउथ इंडिया है, उसको बॉर्न स्वीट कहता हूँ, क्योंकि उसको जन्म से ही डायबिटीज है। आई कॉल हर बॉर्न स्वीट। अच्छा, वो मुझे बता रही थी, स्वामी जी आपके प्रवचन से मुझे एक चीज़ की याद आई। क्या चीज़ याद आई? उसके यहाँ चाय पानी पी रहे थे तो भाग तो नहीं सकते, सुनना ही पड़ा। उसने बताया, बोले पहली बार मैं शादी हो करके जो अमेरिका गई, तो वहाँ वो टोल गेट होते हैं ना, वहाँ पैसे डालो, तो वो आउट ऑफ फॉर्मेलिटी वो पूछते हैं, हे हाउ आर यू, यू डोंट हैव टू रिप्लाई दैट। बोले उसने जब पूछा तो मैंने इंजन बंद कर दिया, बैठी रही, देखो मैं जो है ना अभी अभी इंडिया से आई, इसके पहले हम स्विट्जरलैंड गए थे, लेकिन बचपन से मुझे डायबिटीज हो गया है। उसके अब वो अपनी कहानी शुरू कर दी, कैसी हो, कहाँ से आई हो, पर पीछे कारों की लाइन लग गई और पीछे वो हॉन्किंग वहाँ शुरू हो गया, जाता क्यों नहीं है। तो उसने कहा ओके ओके, गो अहेड, व्हीकल्स आर बिहाइंड यू, से नो, अभी कहानी खत्म था वो, अभी सुनो। तो यदि कोई हमको पूछता है कि भाई कैसे हो, तो उसने गलती करी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट। अपने आप दुखड़ा जब हम किसी को सुनाते हैं तो पहले बार तो व्यक्ति सुन लेता है, ये उस व्यक्ति की गलती है, तो सुन लिया तो दूसरे बार जाएंगे। ये वही बताए, स्वामी जी पिछले बार मैं आई थी ना तो एक बात भूल गई थी, अरे राम राम राम, वीर शुरू MP3 MP3 वाले महा पैदल 3 बार। तो हमको अपना दुखड़ा किसी को नहीं सुनाना, प्रसन्न हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु कौन है? पूर्ण है। पूर्ण में ध्यान से सुनना, Infinite does not have beginning and end. Infinite doesn't have the past and the future.
तो न शोचती, जिसके हृदय भी प्रभु प्रकट हो गए हैं उस पर भूत काल का भूत नहीं चढ़ा रहता। जब किसी पर भूत चढ़ जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? क्या हो गया है? भूत चढ़ गया है। इसी प्रकार से जब हम पर भूत चढ़ जाता है, हमेशा वही बात स्वामी जी क्या बताए आपको, जब हम छोटे थे हमारे कमरे में जब हमारे पिताजी आते थे ना, तो हम आदर और डर के मारे उठ करके दूसरे कमरे में भाग के चले जाते। अब मेरा ये लड़का तंग आ गया हूँ, क्यों? जब ये कि मेरे कमरे में आता है तो मुझे उठ के भाग जा रहा है, पता नहीं मेरी क्या लाइफ है। तो हमने कहा आपने तो स्वयं बताया, यू आर बॉर्न टू रन, दौड़ते रहो, पहले बाप के कारण और बेटे के कारण। अब इससे निकला क्या? कुछ नहीं निकला। तो न शोचती, शोच हमेशा भूतकाल का होता है। और यही बात जो है कि बुढ़ाऊ लोग जवानों के बीच में फिट क्यों नहीं होते, यही कारण है, क्योंकि बुढ़ाओं के जीवन में भविष्य तो है ही नहीं, जो कुछ है वो भूत ही भूत है। और फिर ये अपने भूत की ही बात बताएंगे, हमको ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे भूतकाल में किसी अन्य को कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। न शोचती, तो हृदय में भगवान प्रकट हो गए तो क्या हो गया? अब हम भूतकाल के बारे में ना बोलते ना सोचते। ये बहुत महत्व की बात है संतो। हम भगवान के स्मरण की बात आपको बता रहे हैं, ये सब सिद्धांत पूरा हो जाएगा ना तब इसका अर्थ प्रकट होगा। यदि ये नहीं समझे तो हमेशा पुरानी बात, जब हम छोटे थे अभी हम कलकत्ते में गए थे, वहां के सज्जन को कहे स्वामी जी आप वृंदावन से आ रहे हैं, हाँ हम गए थे वहाँ 40 साल पहले और उसके बाद अभी अभी जाके आए, कितना बदल गया है वृंदावन। हमने कहा आगे मत जाओ, पहले दर्पण के सामने चले जाओ और 40 साल पहले की अपनी फोटो लेके जाओ, वो फोटो देखो और दर्पण में जो है उसको देखो। जब आप स्वयं बदल सकते हो तो दुनिया बदली तो क्या फर्क पड़ा? देखो दुनिया बदल गई, ये दुनिया बदलती ही है, हम कहां वो के वो है। इसीलिए न शोचती, भूतकाल को ताला लगा दिया। फिर न कांक्षती, कितनी कल्पना करते हैं ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस समय हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, ये तो जरूर हो रहा है। जो व्यक्ति